नमस्कार, स्वागत है आपका SDR एजुकेशन में। और आज बात करने वाले हैं ऐसी पांच बातों के बारे में जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा सवाल सही करवा सकती है। मैं इस वीडियो के अंदर जो भी बातें आपको बताने वाला हूं वो आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीके के बारे में होगी और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो, जिसमें पेपर वन का मटेरियल आप लोगों को मिल जाएगा और क्लासें मिल जाएंगी मेरी अनअकैडमी पे। साथ ही साथ जो रोज़ अनअकैडमी पे रात को 9 बजे की क्लास होती है, जिसमें हम क्वेश्चन ही करते हैं और इन सब बातों पर ध्यान देते हैं जो मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो रोज़ रात को 9 बजे की फ्री क्लास जो पेपर वन के UGC नेट के क्वेश्चन की होती है, अंग्रेजी हिंदी के क्वेश्चन की, और 11 बजे की जो टॉपिक की क्लास होती है उसको कवर करना ना भूलें। इन तीनों चीजों का लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ट्रेट अवे बात करते हैं पहली चीज के बारे में, सवालों को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि लॉजिक क्यों लगाना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज कि डीप स्टडी कैसे करें। चौथी चीज, टेस्ट सीरीज क्यों सॉल्व करते हैं हम। और पांचवी चीज कि कैसे हमें अवॉइड करना होगा स्टीरियोटाइप प्रिपरेशन के तरीकों को। देखिए, ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहली चीज है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे समझें। जितना आपको इंपॉर्टेंट है एक आंसर पता होना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आपको सवाल पता हो, आपको ये पता हो कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया है, कौन से सब टॉपिक से पूछा गया है, किस डोमेन का क्वेश्चन है, इसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी पेपर में आने की। तब जाके आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएंगे। दोबारा सुनिए कि अगर आपने सवाल नहीं समझा तो आपको जवाब भी नहीं पता होंगे और आप वहां पर अंदाजे लगा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस को पढ़ें, हम प्रीवियस ईयर को पढ़ें, ये जाने कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें, उसके पीछे के मीनिंग की कोशिश करें कि क्या सवाल पूछना चाहता है, तभी हम आंसर्स पे ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंच पाते हैं। रात 9 बजे की क्लास के अंदर आप देखते हो हम पेपर वन के क्वेश्चन करते हैं, हम 25-25, 30-30, 40-40 सवाल नहीं करते एक क्लास में, मुश्किल से हम 15-20 सवाल करते हैं, लेकिन जो भी सवाल करते हैं लंबे समय तक आपको याद रहते हैं। सवाल को पढ़ने के तरीके पे बात करते हैं, सवाल को अटेम्प्ट करने के तरीके पे बात करते हैं, और यही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्वेश्चन कहां से आया है ये पता हो, सब टॉपिक पता हो। लॉजिक का इस्तेमाल करिए। कैसे कर सकते हैं लॉजिक का इस्तेमाल? अगर आपसे कोई स्टैटिक लर्निंग के सवाल पूछ रहा है, अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जहां पर चारों ऑप्शन बड़े सिमिलर आपको लगते हैं, तो वहां लॉजिक लगाइए। कैसे लगाएंगे लॉजिक? अब अगर मान लीजिए कि मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लूं देश की नदियों को लेके, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ लूं आजादी के बाद की कमेटीज को लेके, तो आपको यहां पर चीजों को कनेक्ट करना होगा। नॉलेज को कनेक्ट करके आप चीजों के सवाल के ऊपर और उसमें लॉजिक का इस्तेमाल करके आंसर पे पहुंचेंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि लोग लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग रीजनिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग कनेक्शन नहीं बनाएंगे नॉलेज के अंदर, तो वो क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हर बार सही दे देंगे। क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप क्या है, तो वहां पर जब हम ये देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट जो है उसकी रिलेशनशिप उपयोगितावादी कहलाती है, यूटिलिटेरियन कहलाती है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में, क्या मैं इसी ऑप्शन में ही नहीं लिख सकता कि डायग्नोस्टिक कहलाती है, रेमेडियल कहलाती है? तो वहां पर आप उलझेंगे ऑप्शन के बीच में। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप उन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं जो आपके लॉजिक के तहत आपको आंसर देंगे, कि अगर मुझे मान लो कोई सवाल पूछा गया है जो आज़ादी के बाद का सवाल है और एक सवाल पूछा गया जो आज़ादी से पहले का सवाल है, एजुकेशनल कमेटीज को ही मान लीजिए कि एक सवाल पूछा गया, तो वहां पर मैं ये देख सकता हूं कि जो अंग्रेजों का पॉइंट ऑफ व्यू होगा शिक्षा को लेके वो अलग होगा, वो ब्रिटिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन पे होगा, और अगर उसके बाद का सवाल कोई आया है तो उसके अंदर जो लॉजिक होगा वो स्कूली व्यवस्था को सुधारने के ऊपर होगा, वो इस बात पे होगा कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है, क्योंकि वो आज़ादी के बाद की हमारी नीड्स थी। तो हम चीज़ों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें वास्ट नॉलेज अगर होगी तो चीजों को जोड़ेंगे, अदरवाइज आप इन चीजों को कभी नहीं जोड़ पाएंगे और आप सीधा क्वेश्चन का आंसर यहीं सोचते रहेंगे। लेकिन जब आप दिमाग में उस चीज को लेके जाएंगे और आप उस क्वेश्चन का कनेक्शन बनाएंगे, तो यकीन, ये जो बल्ब आपको जलते हुए दिख रहा है ना, ये जरूर दिखेगा। डीप स्टडी करिए टॉपिक की। डीप स्टडी क्या होती है? मान लो किसी टॉपिक को आपने एक पैराग्राफ को पढ़ लिया और आपको लगा कि आपका ये टॉपिक हो गया। कल रात को मैंने आपको क्लास के अंदर 11 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लास पे पॉजिटिविज्म इंटरप्रेटिविज्म कराया। लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म मतलब कि क्वांटिटेटिव हो गया, सब कुछ नंबर से रिसर्च होती थी सर, वो पॉजिटिविज्म है। इंटरप्रेटिविज्म किसी चीज का मतलब निकालना, इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेटिविज्म। लेकिन उस पर 1 घंटे की क्लास है, 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं उस क्लास के अंदर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। देखिए कि किसी टॉपिक को डीप स्टडी करना कितना जरूरी है, किसी टॉपिक
के अंदर जब हम डीप स्टडी करते हैं तो हमें कितनी चीजें जानने को मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट को पढ़ लेने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्या? अब मैंने आप लोगों को कल ही रात को उस क्लास के अंदर ऑप्शन बना के दिखाया था कि भाई एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, जरा देखते हैं कि कितनी डिफिकल्ट चीजें हम डाल पाएंगे इस सवाल के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा है, जिसका मतलब कहने को तो सिर्फ दो ही मीनिंग में बता दिया जाता है। तो किसी भी टॉपिक को तब तक ना छोड़ें जब तक कि आपको लगता है कि आप उससे जुड़े सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 200 अधूरे टॉपिक्स को पढ़ के जाने से अच्छा है कि 50 से 100 पूरे पूरे टॉपिक पढ़ के जाएं। और साथ ही साथ रिवीजन की अहमियत को ना भूलें, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को पढ़ के छोड़ देते हो तो मुश्किल से वो चीज़ आपको 2 या 3 दिन याद रहती है, और उसके बाद आप सब कुछ भूल जाते हो। और जब आप वापस रिवीजन में जाते हो 1 महीने के बाद उस टॉपिक के ऊपर, तो आपको कुछ भी नहीं याद रहता। तो 2 से 3 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, इस तरीके का पैटर्न शेड्यूल बनाएं, अपने लिए समय निकालें। ये ना सोचें कि हम अगर किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं, टेस्ट सीरीज से सोचते हैं कि उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर, तो उनके पेपर में भी अच्छे नंबर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज का जो टॉपर है, मान लो अब टेस्ट सीरीज में कोई बंदा लगातार टॉप कर रहा है, उसे ये भी तो समझना होगा ना कि ये एग्जाम ऑल इंडिया हो रहा है, ऑल इंडिया में लाखों लोग आएंगे। अभी वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे 3,000 से 4,000 बच्चों के बीच में कम्पीट कर रहा है, तो वो कम्प्लेसेंट हो जाएगा तो क्या काम चलेगा? अगर आप किसी क्लास के अंदर उसके MCQs में उसके लीडर बोर्ड पे टॉप पे आ जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी तो समझिए ना कि 500 लोगों के बीच में परफॉर्म करना और 5 लाख लोगों के बीच में परफॉर्म करना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हुए सिर्फ ये ना माने कि आप कैजुअली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कि आप लोगों को एग्जाम का माहौल बना के ही वो पेपर देना है, उसी हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है सोच के, कि जैसे एग्जाम में आप 2-2 बार सोचते हो किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए। तो टेस्ट सीरीज की अहमियत को जानें, और दूसरा टेस्ट सीरीज को सीरियसनेस के साथ लगाएं। नहीं है कि भाई टेस्ट सीरीज सब लगा रहे हैं तो हमने भी लगा दी, उस तरीके से टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया। टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम का माहौल देती है, लेकिन माहौल तभी देती है जब आप उसे उसी सीरियसनेस के साथ लगाते हैं, जिससे कि क्वेश्चन का फियर चला जाता है। टेस्ट सीरीज में टॉप करने से नहीं होता कुछ, टेस्ट सीरीज के अंदर किसी क्लास के अंदर उसके MCQ सेशन में टॉप करने से किसी इंसान का रिजल्ट नहीं बनता है, तो हमें ये बात समझनी होगी। लास्ट चीज कि स्टीरियोटिपिकल प्रिपरेशन से दूर रहिए, स्टीरियोटिपिकल प्रिपरेशन मत करिए। जो आपका दोस्त कर रहा है वही प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। आप दो कंप्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, आप दोनों की समझ में अंतर है, आप दोनों की जो सोच है उसके अंदर अंतर है, तो आप दोनों के लिए एक तरीका कैसे सही हो सकता है? टीचर करवाएगा, जो उसे करवाना है उसे करवाने दीजिए, लेकिन आप लोग अपने फैसले खुद लीजिए। ये सोचिए, समझिए कि कौन सी प्रिपरेशन आपके लिए जरूरी है, किस तरीके से प्रिपरेशन आपको सूट करती है, और उस हिसाब से अपने फैसले लीजिए। और कभी भी जो सब कर रहे हैं वो सब करने के पीछे मत भागिए, क्योंकि सबके लिए एक ही चीज सही नहीं हो सकती है। हमें खुद खोजना होगा कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, तभी आप एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा सवाल सही कर सकते हैं। आपको इन स्टीरियोटिपिकल प्रिपरेशन के रूट से दूर रहना है, अपने रास्ते खुद चुनने हैं, आपको जो सूट करता है उस हिसाब से पढ़ना है, आपको जो सही लगता है वो पढ़ना है, आपको टेस्ट सीरीज एकदम एग्जाम के माहौल के जैसे ही सीरियसनेस के साथ सॉल्व करनी है, टाइम लिमिट लगा के करनी है, डीप स्टडी करनी है आपको टॉपिक की, रिविजन करिए साथ साथ, लॉजिक लगाइए, कनेक्शंस बनाइए अपनी नॉलेज में, चीज़ों को जोड़िए। किसी के बर्थडे से कोई डेट जोड़ दी, किसी के कोई और इवेंट से कोई डेट जोड़ दी, तो अगर सवालों को समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर नहीं आएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कहाँ से बनाया गया है, कौन से टॉपिक से है, कौन से सब टॉपिक से, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्वेश्चन आएगा, तभी जाके आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इन 5 बातों का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ये मेरा यकीन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको शेयर करिए, स्टेटस में लगा दीजिए अपने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को देख पाएं, जहाँ पर हम कोई रामबाण इलाज नहीं बता रहे, प्रैक्टिकल तरीके बता रहे हैं सिर्फ आपको इम्प्रूव करने के। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने NTA NET एग्जाम से संबंधित पूरी हायर एजुकेशन की सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारी हायर एजुकेशन की स्कीम है टोटल 20, और बाकी की वीडियोज़ भी आपको 10 स्कीम्स और कराऊंगा तो 5 वीडियो और मिल जाएंगे। अनअकैडमी की रोज़ रात को होने वाली 9 बजे की फ्री क्लास को ज्वाइन करा करिए। नवीन साख लाइव कोड जो है वो लगा देना, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से, और वहाँ से बेनिफिट लो इन इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस का और टेलीग्राम ग्रुप का, जिसके अंदर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए है। शुक्रिया।